डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको कैश और क्रेडिट परचेस और सेल बताया था। अब हम आपको ऑर्डर की एंट्री बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। एक लेजर बनाया श्रेष्ठ एंटरप्राइजेस के नाम से। ये हो जाएगी आपके सैंडविच क्रिएटर पार्टी। एक लेजर बनाया आपका कमल कमल कंपनी के नाम से। ये हो जाएगी आपके सैंडी डेटर्स पार्टी। एक लेज़र बनाया परचेस अकाउंट के नाम से। परचेस में एक लेज़र बनाया सेल अकाउंट के नाम से। सेल में एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। एस्केप की से बाहर आएगा अकाउंटिंग वाउचर। नॉर्मल कैश और क्रेडिट परचेस सेल पड़ा था। अब अपन ऑर्डर वाले पढ़ेंगे। ऑर्डर के फीचर यस करने हैं। ऑर्डर फीचर यस करने के लिए आपको F11 प्लस F2 की प्रेस करनी पड़ेगी। F11 F2 की प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में अनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग दो फीचर शो करेंगे। दोनों को यस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। परचेस ऑर्डर के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है ऑल्ट प्लस F4। आपको यहाँ परचेस ऑर्डर शो होगा। याद हो तो इससे पहले नॉर्मल कैश और क्रेडिट परचेस में कैश में भी एंट्री करते हो, क्रेडिट में भी करते हो। अब जो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ऑर्डर में जितनी भी एंट्री होगी क्रेडिट में होगी, यानी पार्टी नेम से होगी। तो यहाँ पार्टी नेम ले लिया सुरेश एंटरप्राइजेस। राजस्थान रेगुलर यहाँ बोल रहा है टर्म पेमेंट ऑफ, यानी आप सामने वाली पार्टी को माल कैसे दोगे, कैश दोगे या चेक दोगे। जैसे कैश कर दिया, डिलीवरी जैसे आपने कर दिया 5 डेज में डिलीवरी। डिस्पैच थ्रू आपका माल कहाँ से डिस्पैच हो रहा है और कहाँ के लिए डाल के जैसे आप एक्सेप्ट कराओगे तो यहाँ ऑर्डर नंबर शो करेगा। ऑर्डर नंबर जैसे आपने दे दिया 21। परचेस CPU 10 3,000 के हिसाब से 30,000 के। कीबोर्ड 10 400 के हिसाब से 4,000 के। टोटल कितने का परचेस ऑर्डर दिया, 34,000 का परचेस ऑर्डर ये आपने दिया है। ये आपको अगर माल प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री बनाएंगे F9 परचेस में। एंटर करके जैसे ही आप पार्टी नाम लेते हैं तो यहाँ आपको ऑर्डर नंबर शो करेगा। यहाँ आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कराइएगा, जो आपने ऑर्डर दिया था वो पूरा ऑर्डर आपको यहाँ पे शो करेगा। सिर्फ एंटर करके इस फीचर को एक्सेप्ट करा दीजिएगा, यानी जो आपने ऑर्डर दिया था वो पूरा ऑर्डर आपने प्राप्त कर लिया। जब आप पूरा ऑर्डर प्राप्त करोगे तो इस पार्टी का क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो F5 टोटल कितना है, 34,000। 34,000 डाल के ऑन अकाउंट करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये तो वह परचेस ऑर्डर दिया, माल को प्राप्त करा और पेमेंट कर दिया। यदि आपके पास इसी तरीके से सेल ऑर्डर आता है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस F5 की प्रेस कीजिएगा। सेल ऑर्डर कमल एंड कंपनी के नाम से, राजस्थान रेगुलर। जैसे यहाँ पे मैं जो पेमेंट कर रही हूँ वो चेक के थ्रू करूँगी, तो यहाँ पे चेक आ जाएगा और यहाँ पे लिख दिया 5 डेज डिलीवरी। डिस्पैच कहाँ से हो रहा है मेरा, सूरत से। कहाँ के लिए, जयपुर। ऑर्डर नंबर 51। सेल ऑर्डर जैसे आपके पास 10 मॉनिटर का ऑर्डर आया है जिसकी रेट आपने दी है 7,000। माउस 10 माउस 500 के हिसाब से। तो कितने का आपके पास सेल ऑर्डर आया, 75,000 रुपये का। जब आपके पास सेल ऑर्डर आया है तो आप क्या करते हो, माल को सेल करोगे। तो उसकी एंट्री होगी F8 में। पार्टी नेम जैसे लेके आप एंटर करोगे, ऑर्डर नंबर लेके एक्सेप्ट करोगे, जो डिटेल आपने फिल करती वो सारी डिटेल आपको यहाँ शो कर जाएगी। एंटर करके जैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो यानी जो ऑर्डर आपके पास आया था आपने क्या करा, उसको माल को सेल कर दिया।
जब आप माल को सेल कर रहे हो तो उसकी एंट्री बन जाएगी रिसिप्ट में। आप चेक के थ्रू कर रहा था, ऑल्ट सी करके यहाँ पे एक बैंक बना लिया, HDFC बैंक, ये आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। पार्टी आ गई कमल कंपनी, कितने 75,000। एंटर करके एक्सेप्ट करा दीजिए। इसको चेक करने के लिए एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले डे बुक, सारी एंट्री आपको यहाँ शो कर जाएंगी। थैंक यू।